आज नेहरू युवा केंद्र द्वारा निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सरदार शेर की उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए हैं। यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी लाभार्थियों को मिलेगा और गांव के जन जन तक इस प्रकार की योजनाओं का सुअवसर एक लाभ दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम में खेल मंत्रालय भारत सरकार नेहरू युवा केंद्र शुरू तो बिना सोचे समझे या कई बार जानकारी के अभाव में इस तरह की छोटी छोटी त्रुटियां गलतियां कर बैठते हैं, जिसके चलते उनकी गाढ़ी कमाई, जीवन भर की कमाई एक मुश्त में कोई इस तरह की धोखाधड़ी के माध्यम से खींच लेता है और उनके पास फिर उसका कोई इलाज का मतलब ये है कि न तो कानूनी रूप से वो पैसा वापस आ सकता है और न ही पुलिसिंग, हमारी जो पुलिसिंग व्यवस्था उसमें ज्यादा कुछ कर सकती है, क्योंकि इस तरह के जो धोखाधड़ी के गिरोह चलते हैं वो न तो किसी के पकड़ में आते हैं किसी भी और ना ही किसी के ज्यादा समझ में आते हैं। और आज भी है, लेकिन आज जो ये निवेशक शिक्षा जागरूकता जो कार्यक्रम किया है खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम, ये बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो एक ग्रामीण व्यक्ति जो अपनी पूरी जमा पूंजी करते करते दम तोड़ देता है एक तरीके से, और उसको यदि कोई फ्रॉड इस प्रकार से उसे हानि पहुंचाए तो ये बड़ा दुख है। आज आप सभी यहाँ बैठे हैं और आज का ये युग बदलाव का युग है, और आज के जो युवा साथी हैं ये इस युग में बदलाव कर सकते हैं। तो आपको इस 3 दिवसीय ये जो कार्यक्रम है इसके बारे में जानकारी है कि किस प्रकार से ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे ये जो योजना है ये अंतिम छोर तक जो बैठा व्यक्ति है उस तक पहुंच सके। आज चारों तरफ आपको पता है बेरोजगारी है और कॉर्पोरेट मंत्रालय और युवा कार्यक्रम समय के साथ बढ़ रहा है, उसका व्यापक डिजिटाइजेशन भी हो रहा है और उसमें तमाम नए कंपोनेंट और इन्वेस्टमेंट के नए स्वरूप आ रहे हैं, उसमें जहां संभावनाएं बढ़ रही है वहां सतर्कता की बहुत आवश्यकता पड़ रही है। हम सभी साथी जानते हैं कि पिछले एक दशक में साइबर सिक्योरिटी को लेकर स्पेशली जैसे जैसे जनधन योजना और तमाम सरकार की योजनाएं, जहां एक ओर हमारे ग्रामीण नागरिकों को वित्तीय समावेशन की तरफ लेके जा रही है, वहीं उस वित्त समावेशन के साथ साथ तमाम जोखिम हम सबके सामने आ रहे हैं, वो चाहे हमारे खातों की सुरक्षा की बात हो या हमारे छोटे मोटे निवेश की जानकारी की बात हो, जिसे कहें कि हम क्विक एक्शन लेके और पैसे कमाने का जो जरिया करते हैं उससे हटकर हम इस चीज को जागरूक करें, लोगों को जागरूक करें, तो सभी में ये जागरूकता आएगी, कोने कोने तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि किस प्रकार से जो हम अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं वो कोई और ना ले जाए। संक्षिप्त में अपनी बात रखें, मंगल आरती।